सो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडीज़ में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आप दोस्तों कहीं से भी दोस्तों आप क्यों ना मतलब तैयारी कर रहे हो, आप बीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप दोस्तों यूपी कैडेट, ठीक है, या फिर आप दोस्तों आईसीआर की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी यूनिवर्सिटी की दोस्तों आप तैयारी क्यों ना कर रहे हो, तो दोस्तों आपके लिए यह वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना मत भूलिएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं ये दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है वह दोस्तों ऑनलाइन क्वेश्चन है, ऑनलाइन क्वेश्चन को दोस्तों मैं फुल एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं आईसीआर का प्राचीनतम नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, जो आईसीआर था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था, ठीक है, यह दोस्तों इसका पुराना नाम भी था, ठीक है, सन 1952 ईस्वी में इसका नाम बदल गया था। इसका जो नाम था दोस्तों प्राचीनतम नाम वो था दोस्तों इंपायरियल, ठीक है, काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। दोस्तों एग्जाम में बहुत ही बार पूछा भी गया है आईसीआर में दोस्तों, तो हाल ही में भी पूछा गया था 2021 में, ठीक है, इस बार भी पूछा जा सकता है 2022-23, ठीक है। यदि दोस्तों आप सभी लोग 2023 में देख ले रहे हो वीडियो हमारा, तो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, मुझे खुशी होगी कि दोस्तों आप 2023 में देख रहे हैं वीडियो हमारा, ठीक है। अगली जो हमारे दोस्तों प्रश्न हमारा आता है हमारा वो आता है आईसीआर के महानिदेशक कौन है। आईसीआर के दोस्तों इस वक्त महानिदेशक कौन है ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है डॉक्टर मंगला राय। जी हाँ दोस्तों, जो वर्तमान में जो आईसीआर के महानिदेशक है वह दोस्तों डॉक्टर मंगला राय है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला हमारा आता है भारत के कृषि मंत्री कौन है। तो दोस्तों भारत के वर्तमान में कृषि मंत्री श्री शरद पवार है, इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा चौथी नंबर पर हमारा आता है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों यह हमारा स्थित है उत्तर प्रदेश, सॉरी लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, यह लखनऊ में स्थित है। अगला जो हमारा आता है दोस्तों क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री का क्या नाम है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री का नाम डॉक्टर अशोक वाजपेयी है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। दोस्तों हमारा अगला आता है कौन सा जल मृदा जल प्रकार का पौधों के लिए अधिक लाभकारी है। तो मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, जो पौधे होते हैं वह दोस्तों जल को दोस्तों केशिका जल के रूप में मतलब ग्रहण करते हैं, तो इस प्रकार से दोस्तों केशिका जल राइट हो जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा आता है दोस्तों किस जल सिंचाई की दोस्तों अधिक दक्षता होती है, ठीक है, सबसे अधिक दक्षता होती है, यानी जल उपयोग की सबसे अधिक दक्षता होती है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है बूंद बूंद, ठीक है, सिंचाई, इसे बोलते हैं ड्रिप इरीगेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्रिप इरीगेशन, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसको दोस्तों टपकेदार सिंचाई भी बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा फवारी विधि भी आता है, ठीक है, फवारे यानी स्प्रिंकलर मेथड भी आता है, याद कर लीजिएगा। अगला आता है दोस्तों हमारा जलीय छड़ की प्रथम अवस्था है। तो आप सभी को मैं बता दूं वर्षा की बूंदों द्वारा मिट्टी के कणों को इधर उधर छटकना है दोस्तों, जलीय छड़ की प्रथम अवस्था है। अगला आता है दोस्तों हमारा पौधों में जल शोषण की दर कम होती है जब उनमें अभाव होता है। जी हाँ दोस्तों, जो पौधे होते हैं उनमें जो जल होता है दोस्तों उन्हें ग्रहण यानी जो शोषण करने की जो मतलब क्षमता होती है वह दोस्तों कब कम होती है, जब उसका दोस्तों लोहे का अभाव हो जाता है, ठीक है, यानी दोस्तों पौधे में लोहा नहीं पाया जाता है या फिर जल में नहीं पाया जाता है, तो उस समय दोस्तों जो जल शोषण की क्षमता होती है वह दोस्तों कम हो जाती है। अगला है दोस्तों जल के आधे मोल का भार होता है। तो दोस्तों जल के आधे मोल का भार 1 ग्राम होता है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला आता है दोस्तों मशीन द्वारा गेहूँ की बुआई के लिए प्रति एकड़ बीज की मात्रा होती है। तो दोस्तों 25 से 30 किलोग्राम। अगला है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान CTRI कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यह राजामुंद्री में स्थित है। दोस्तों बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है राजामुंद्री में। अगला आता है भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है हमें बताना, तो यह लखनऊ में स्थित है। अगला आता है हमारा दोस्तों नकदी फसलें कौन सी है। दोस्तों आप सभी लोगों ने दोस्तों ऑप्शन में देखा ही होगा दोस्तों नकदी फसलें कौन कौन सी है, इस प्रकार से ऑप्शन दे दिया जाता है, कहीं पर गन्ना दे दिया जाता है, कहीं पर तंबाकू दे दिया जाता है, कहीं पर आलू दे दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूँ ये तीन को आप लोग याद कर लीजिएगा अगर जो आपको मतलब एग्ज़ाम में दे दिया जाएगा, ठीक है,
इनमें से नकदी फसलें कौन है, तो आपको याद होना चाहिए नकदी फसलें कौन कौन सी है, तो गन्ना, आलू और तंबाकू है। अगला आता है दोस्तों हमारा 15वें नंबर पर, बीज नॉच का सूत्र MKS पद्धति में क्या है। दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, या दोस्तों 12th के सिलेबस में है, ठीक है, 12th एग्रीकल्चर के सिलेबस में एग्रोनॉमी में है। तो दोस्तों बीज नॉच का फार्मूला होता है 0.0138H2√H, इंपॉर्टेंट है। अगला आता है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आलू के सन डिशेज के लिए, ठीक है, किस रसायन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों एरिटान का प्रयोग करते हैं। एरिटान क्या है दोस्तों, एरिटान एक कवकनाशी है। क्या है, कवकनाशी है। एग्जाम में पूछा जा सकता है निम्न में से कौन से रसायन का प्रयोग करते हैं कवकनाशी के रूप में, तो दोस्तों एरिटान का प्रयोग करते हैं, याद दीजिएगा। या दोस्तों 6% की मात्रा का प्रयोग करते हैं इसका। इसके बाद हमारा आता है MAA का रासायनिक नाम लिखो। आपने सुना ही होगा दोस्तों NAA, ठीक है, बट दोस्तों यह MAA है, ठीक है। NNA का पूरा नाम है दोस्तों MMA का 3,4-डाइक्लोरोप्रोपेनेफिलाइड, ठीक है, और मेथियन एसोनिक एसिड। और NNA का दोस्तों पूरा नाम क्या होता है, नेप्थलिक एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, नेप्थलिक एसिटिक होता है, ठीक है, एसिटिक एसिड होता है। अगला आता है दोस्तों हमारा WCE का पूरा नाम बताइए। तो दोस्तों WCE का पूरा नाम वेट कंट्रोल एफिशिएंसी होता है। अगला दोस्तों हमारा बहुत ही बेहतरीन है, बीज कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों बीज 5 प्रकार के होते हैं, इनमें से केवल 3 ही दिया गया है। पहला न्यूक्लियस, दूसरा फाउंडेशन सीड, इसके बाद तीसरा सर्टिफाइड सीड। ये 3 दोस्तों इंपॉर्टेंट होते हैं, परंतु दोस्तों 5 मतलब बीज के जो 5 प्रकार होते हैं, मतलब 5 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से हमारा अगला आता है दोस्तों बीजों के अंकुरण के लिए कितने ताप पर आवश्यकता होती है। तो दोस्तों बीजों के अंकुरण के लिए कितने ताप की आवश्यकता होती है, 20-30% डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब दोस्तों बीज की शुद्धता के लिए सूत्र किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। बीज की शुद्धता का दोस्तों सूत्र क्या होता है, दोस्तों यह होता है हमारा प्योरिटी परसेंट बराबर अमाउंट ऑफ साउंड सीड बाय वेट ऑफ सिंपल सीड, ठीक है, इस प्रकार से सीड सिंपल। अगला तो दोस्तों हमें दिया गया है बीज क्या है, तो दोस्तों बीज क्या है इसमें दिया गया है, तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बल्कि दोस्तों आप सभी को मैं बता दे रहा हूँ क्या है। ए फर्टिलाइजर है रिपेंड ऑव्यूल, ठीक है। NSC का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1963 ईस्वी में हुई थी, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। इसके बाद दोस्तों थीनिंग क्या है, तो दोस्तों थीनिंग क्या है दोस्तों, बाजरे के खेत में घने पौधों को निकाल कर अलग करना थीनिंग कहलाता है। सरसों में भी किया जाता है। अगला आता है दोस्तों हमारा शुष्क कृषि की सबसे अच्छी फसल कौन सी है। तो दोस्तों शुष्क कृषि के लिए सबसे अच्छी फसल मोठ है, मोठ से अच्छी दोस्तों कोई भी फसल नहीं है, इम्पॉर्टेंट है। अगला आता है दोस्तों हमारा एक फसल चक्र धान गेहूं की सस्य सघनता कितनी होती है। तो दोस्तों 200% होती है, इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा आता है भारतीय मौसम विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यह पूना में स्थित है, कहाँ पर, पूना में भारतीय मौसम विज्ञान प्रयोगशाला, ठीक है। अब दोस्तों आप सभी को कमेंट में बताना है WHO कहाँ पर स्थित है, इसका मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, आपको बताना है इसका स्थापना कब हुआ था, ठीक है, कमेंट पर बताइएगा। दोस्तों आप सभी के लिए इतना बेहतरीन वीडियो बनाते हैं दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट ही नहीं करते तो थोड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए अगला वीडियो हमारा अगला जो क्वेश्चन आता है ठीक है, वह दोस्तों हमारा आता है ICARDA कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये हमारा सीरिया में स्थित है। अब दोस्तों ICARDA का पूरा नाम इधर दिया गया है इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राइलर एरियस, ठीक है। अगला आता है दोस्तों हमारा जो इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों उसी को मैं बताऊंगा, ICRISET कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये हैदराबाद में स्थित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला आता हमारा दोस्तों 49वें नंबर पर IGFRI कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये झांसी में स्थित है। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है KCAZRI यानी केजरी का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल एरिड जोन इंस्टीट्यूट, और यह कहाँ पर स्थित है, या जोधपुर में स्थित है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है इसका स्थापना सो इंस्टॉलमेंट दोस्तों इसका हमारा 1959 ईस्वी में, एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है, BHU में भी पूछा गया था
और यूपी कैटरी में भी पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। अगला आता हमारा दोस्तों चने को और किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों चने को दोस्तों चिकपी और बेंगल ग्राम से भी जानते हैं। अगला आता दोस्तों हमारा अरहर का उत्पत्ति स्थल कहाँ है, तो मैं आप सभी को बता दूँ जो अरहर है उसका उत्पत्ति स्थल अफ्रीका है। अगला आता दोस्तों हमारा साधारणतया मृदा की कुल सांद्रता ठीक है लगभग कितनी होती है, तो दोस्तों 50% होती है, इम्पोर्टेंट है। अगला दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, VVM है, ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर हमारा क्वेश्चन हमारा वह दिया गया है, फूलों को झड़ने व गोलों को गिरने से बचाने के लिए किस दवा का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों प्लानोफिक्स का प्रयोग करते हैं, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमारा दिया गया है एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है क्षारीय मृदाओं का पीएच मान होता है तो कितना होता है, 8.5 होता है। क्षारीय मृदा दोस्तों क्षारीय मृदा मतलब क्षारीय मृदा का प्रकार है क्षारीय मृदा, ठीक है। अब क्षारीय मृदा दोस्तों भी तीन प्रकार की होती है, ठीक है। पहला क्षारीय मृदा, उसके बाद में इससे मतलब अत्यधिक क्षारीय मृदा और प्रबल क्षारीय मृदा होती है। अम्लीय मृदा भी साथ ही साथ तीन प्रकार की होती है, पहला अम्लीय मृदा, दूसरा अत्यधिक अम्लीय मृदा और तीसरा हमारा हो गया अत्यधिक अम्लीय मृदा। और जो 7 वैल्यू होता है वह दोस्तों उदासीन होता है, और 7 से कम हो जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला आता हमारा लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं का जिप्सम तथा पायरेट का प्रयोग करते हैं। लवणीय एवं क्षारीय मृदा दोस्तों मतलब यह भी क्षारीय मृदा का प्रकार ही है, इम्पोर्टेंट है। इधर दिया गया अम्लीय मृदाओं का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अम्लीय मृदाओं के सुधार के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है, चूने में दोस्तों बुझे हुए चूने का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही बस, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो दोस्तों जल्द ही मिलेंगे, ठीक है। दोस्तों धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पीडीएफ भी चाहते हो तो बताइएगा, पीडीएफ भी दे देंगे।